कहाँ से हो आप लोग? झारखंड से हो? सामने देख रहे हो पूरा सी बना हुआ है। अभी हम लोग बहुत अच्छे से लोकेशन में पहुंचे हैं। 18,495 फीट इसकी हाइट है अभी जहाँ हम रुके हुए हैं। अगर इस जगह पे ब्रेक लगाता है कोई तो डायरेक्ट पीछे जाके राम राम सत्य रे बाबा पे आपको प्रॉब्लम और मजे दोनों आने वाले हैं। लेकिन व्यू देखना है तो जरूर आओ इस रूट पे। सो गाइस एक चीज और, कहीं भी आप ये फ्लैग लगे हुए देखते हो तो आपका इसका मतलब ये है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। ये व्यू देखिए, आज है डे 10 और आज तारीख है 19 मई 2022। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हम रुके हैं जांगला में। जैसा मैंने आपको रात को बताया था, हम जांगला में रुके हैं और आज जाने का हमारा पूरा प्लान है ले में, जो कि यहाँ से 270 किलोमीटर है समथिंग। और अभी हमको जल्दी निकलना पड़ेगा, हम लेट हो चुके हैं काफ़ी। और फयाज़ अभी सो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, भी उठाता हूँ मैं उसको। अभी मैं भैया अभी मैं नहाऊँगा क्योंकि मेरे को 2-3 दिन हो गए नहाए हुए, यहाँ गर्म पानी नहीं मिलता है। और अभी भैया हम मेरे लिए गर्म पानी लेके आए हैं, तो अभी नहाते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और अभी नहा के फिर अभी आपको नाश्ते में मिलते हैं, देखते हैं नाश्ते में क्या क्या मिलता है। लद्दाख की जो नाश्ता होता है देखते हैं, लद्दाख की नाश्ता आप देखिए। हे गाइस, सलाम को वादा, नमस्कार, सत श्री अकाल। सो हमारी सुबह हो चुकी है, मोइन ने जैसा आपको बताया ही था, मैंने भी सोचा मैं भी बोल दूँ एक बार क्योंकि मैं अब उठा हूँ। हमारा नाश्ता आ चुका है, नाश्ता काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये दिया भैया ने ब्रेड, ये आमलेट, पीनट बटर और वो सिंपल बटर जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और चाय भी दी है, उसमें चाय है। सो भी खाने वाले हैं और मस्त चिपने वाले हैं। ये बंदा अमृतसर के बाद आज नहाया है, देख लो इसको। देख नहाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं, विशेष वैसी शक्ल है, वैसा ही लोंडा है, कोई फ़र्क नहीं है। कमेंट में बताना शक्ल चेंज हुई या नहीं हुई नहाने के बाद इसकी। ठीक है गाइस, अभी हम नाश्ता करते हुए मिलते हैं गाइस, फिर मिलेंगे आपको गाड़ी पे अब डायरेक्ट। 5 मिनट्स लेटर। दोस्तों अभी सुबह बज रही है 9:50 और हम लेट निकल रहे हैं क्योंकि कल रात को बॉडी काफ़ी पेन कर रही थी और हम इस घर में रुके हुए थे। ठीक है भैया, चलते हैं। तो गाइस अभी चलते हैं अपन। तो गाइस अब अपन जांगला से निकले हैं ले के लिए। ले यहाँ से 270। आज काफ़ी फ्रेश फील कर रहा हूँ क्योंकि कल रात को मैं सुकून से सोया हूँ। अभी थोड़ा मैं अदरक चबाया है, उससे थोड़ा मेरे को रिलैक्स महसूस हो रहा है। आज नहाया भी हूँ ठंड के अंदर, भैया ने गर्म पानी दे दिया तो बहुत उस चीज़ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनका। अंदर से मैं का ही क्या ही लोग है यार, नाश्ता, डिनर, अच्छा खासा रूम, होम स्टे, होटल से बेटर देन होटल होम स्टे क्योंकि काफ़ी बेटर है। एक जो आपको लोकल एक्सपीरियंस मिलता है ना वो अलग, उसका मज़ा अलग है। और होटल में आप वो चीज़ आपको फील नहीं हो पाएगी जो आप चाहोगे। अगर ऐसी रोड पूरी मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और है, बट ऐसी रोड हमको नहीं मिल पाएगी बिकॉज पूरा रास्ता ऑफ रोड होने वाला है अभी 200 किलोमीटर तक। एंट्री करवा दी है फयाज ने, मेरे को रुकना नहीं पड़ा। कल एंट्री तो कल ही हो गई थी, बस टाइमिंग लिखना था।
कहाँ रे, कहाँ से हो आप लोग? झारखंड से। झारखंड से हो? हो गया तुम्हारा झारखंड का यार, जब भी तो मैंने बाइक रोकी। हाँ झारखंड बिहार तो पास में है ना, वो बिहार का है। आप लोग कहाँ से? अभी हम राजस्थान से। क्या करें यार, घूम रहे हैं। कहाँ अभी रोड का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है? अभी ये रोड कित पक्की रोड कहाँ तक है? ये और 10 किलोमीटर तक। 10 किलोमीटर तक से मिलेगा हमको, उसके बाद ऑफ रोड है पूरा। चलो ठीक है भैया, चलते हैं। ठीक साहब, तो हमारे झारखंड भाइयों से मिले अभी हम। काफ़ी अच्छा लगता है अगर बाहर के, अगर आप आसपास के लोगों से मिलते हो तो अच्छी बात होती है, लोकल से बात करना। ऐसी बात नहीं है, हमने तो लोकल समझा रहा है, लोकल समझ के बाइक रोकी थी, बट वो लोग झारखंड के हैं कोई। अभी हमको 10 किलोमीटर बता रहे हैं, 10 किलोमीटर रास्ता ऐसा मिलेगा हमको पक्का, उसके बाद ऑफ रोड होने वाला है पूरा। साहब रूट देख रहे हो, सामने देख रहे हो, पूरा सी बना हुआ है, इसके बीच में से निकलना है, साइड में रिवर है। ये है ना किश्तवाड़ वाले रोड से भी बहुत ज़्यादा डेंजरस रोड है, बिकॉज लेफ्ट साइड में जब अपन गाड़ी चला रहे हैं तो कोई भी सपोर्ट नहीं है। गाड़ी अगर एक बार ऐसे हुई भाई साहब आप नीचे, कोई ऑप्शन नहीं है, देख लो डायरेक्ट रिवर में, और आप बचोगे नहीं बचोगे उसका कुछ नहीं पता। तो हमको इस रोड पे एक गाड़ी भी नहीं दिखी, तो इससे पता चलता है इस रोड पर आना कोई पसंद नहीं करता, कुछ गिनी चुनी बाइक या गाड़ी ही आती है। ना हमने बाइक देखी ना गाड़ी देखी, कोई फोर व्हीलर जो पदों से लेह का जो रास्ता है ना, बहुत गंदा रास्ता है भैया, बहुत गंदा। अभी हम लोग बहुत अच्छे से लोकेशन पर पहुंचे हैं, ये जो आप नदी देख रहे हो स्टार्टिंग से बता रहा था, लास्ट वीडियो में देखी होगी आपने, ये जंस्कार रिवर जो है वो जा रही है, और जो सामने आप देख रहे हो बिल्कुल कांच की तरह चमक रही है वो रिवर, वो द्रास लेक है, द्रास रिवर है। दोनों अटैच होके, दोनों मिक्स होके साथ में आगे जा रही है, लेकिन जो द्रास रिवर है वो इसके अंदर अटैच होती जंस्कार रिवर बन जाती है। सो काफ़ी प्यारा लग रहा है लोकेशन, और ये देख ही रहे हो आप कैसे मिक्स हो रहा है पानी इन दोनों का, ऐसा नज़ारा देखने के लिए का ही मस्त मज़ा है। और ऐसा नज़ारा देखने के लिए ऐसा रूट भी होना सर, रूट पे चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं चलोगे तो ऐसा नज़ारा भी नहीं देख पाओगे। अब इतना देर चलाने के बाद हमने चलाया है अभी गाड़ी को 55 किलोमीटर, देन यहाँ सामने आया है नक्शा लेका, एक रोड इस साइड जा रही है, एक रोड इस साइड जा रही है, हमें उसमें बताया जा रहा है इस साइड जाना है, और यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा है कि हम लोगों को पता चले, इस वजह से जो हमें सामने दिख रहा है उसी पर जाना है, और उधर से जो लोग आते हैं उनके लिए वो रास्ता लगा रखा है यहाँ पे, देख रहे हैं लिख रहा था मनाली शिमला वगैरह एंड ऑल। तो चलते हैं गाइस आगे इसी रूट पर, देखते हैं मंजिल सही है या गलत। ये है शमशेर सिंह ब्रिज जो संस्कार के लोगों के लिए बनाया गया। हम लोग हैं शिंगुला में, जो व्यू तो आप देख ही रहे हो कितना प्यारा व्यू है, और जो ये रोड है इस रोड बता दूं मैं आपको, मोहिन तूने कौन से गियर पे गाड़ी चढ़ाई थी? एक पे, और मेरी पैंथर चढ़ रही है दूसरे गियर पे, और मैं यहाँ की रोड बताता हूँ। रोड देख रहे हो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रोड है, गाड़ी का अगर एक जगह भी अगर इसका पावर टूटता है तो भाई साहब इसकी खत्म है, आदमी डायरेक्ट वो पीछे खाई में जाएगा, पीछे के पीछे। बिल्कुल ऐसे रोड है गाइस, ऐसे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट,
कोई ऐसे घुमाओ फिराओ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। और जो घुमाओ भी इसके अंदर एक घूम है वहाँ भी उस इस पहाड़ के पीछे एक स्ट्रेट है। वीडियो में भी आप देखना, वीडियो में आएगा अभी वही देखना आप, उसके अंदर सेम है ये। अगर इस जगह पे ब्रेक लगाता है कोई तो डायरेक्ट पीछे जाके राम राम सत्य रे बाबा क्या समझा रे राजू, खत्म है तुम्हारा कहानी। और व्यू देख रहे हो गाइस, पहाड़ देख के तो मज़े ही आ रहे, मज़े। हमारी दोनों गाड़ी जावा की गाड़ियाँ भाई साहब, एक नंबर गाड़ी है। अभी यहाँ पे रॉयल एनफील्ड होती तो उसकी सांस टूट चुकी होती, डायरेक्ट पीछे जाती। क्यों है मोइन, सही बात बोल रहा हूँ ना? तो हमने कोई बाइक नहीं देखी इस रोड पे, हमने अभी तक कोई बाइक नहीं देखी, सिर्फ हमारी दो जावा चल रही है, जगीरा और पैंथर, मस्त दामा दौड़ फुल टू इंजॉय। अगर शेख उस रोड पे अगर किसी ने ब्रेक लगा दिया तो उसका क्या हाल होगा? खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म राजू, काम खत्म रे बाबा। दिस इज शिंगुला वैली जो काफ़ी प्यारी है, और जिस रूट से हम लोग अभी आ रहे हैं, जो आप वीडियो देख रहे हो ये वही रूट है गाइस, देख लो। इतना वहाँ से आए हम लोग नीचे से, इतना नीचे से पूरा चढ़ाई है, कहीं भी ढाल नहीं है, पूरी ऊपर स्ट्रेट चढ़ना ही चढ़ना है, कुछ भी नहीं है। गाड़ी अगर आपकी 500 सीसी की हो तभी लाना, वरना मत लाना, बहुत रिस्की है। हमारी गाड़ी 350 है, शेख की गाड़ी 300 है, लेकिन हमारी गाड़ियों का ये है कि हमारा टॉर्क जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से हमारी गाड़ी इजीली इतना चढ़ रही है। और अभी आगे ये घुमाऊ है, और व्यू का पूछो ही मत, इस रूट पे आपको प्रॉब्लम और मज़े दोनों आने वाले हैं। लेकिन व्यू देखना है तो ज़रूर आओ इस रूट पे, लेकिन गाड़ी 500 सीसी होनी चाहिए। कार है, कार का मैं कुछ कहूँगा नहीं, बिकॉज कार में बहुत डेंजरस है, कोई मैं इसके बारे में कोई राय नहीं दूंगा आप लोगों को, मेरे को कार का इस पर एक्सपीरियंस लिया नहीं है। लेकिन कार लगभग मैंने अभी तक इस रूट पे किसी भी गाड़ी वाले को नहीं देखा, बस एक कार थी वो यहाँ का लोकल था उसको देखा है, बाकी एक भी बाइक वाले को मैंने इस रूट पे नहीं देखा गाइस। सो गाइस फाइनली 50 किलोमीटर चला के हम लोग पहुँचे हैं लिंक शेड, और बहुत खुशी हो रही है। हमारी जगीरा और पैंथर ने हमारा कहीं साथ नहीं छोड़ा, इजीली पूरी चढ़ाई हम लोग चढ़ चुके हैं। सो गाइस एक चीज़ और, कहीं भी आप ये फ्लैग लगे हुए देखते हो तो आप का इसका मतलब ये है कि आप सबसे टॉप पे हो, भी जिस एरिया के अंदर हो उसकी उस एरिया में आप सबसे टॉप पे पहुंच चुके हो। और एक वेला आ चुका है, मतलब एक मोनेस्ट्री आ चुकी है आपके, इसका मतलब वो होता है। तो मोनेस्ट्री नीचे है लिंक शेड, वो पूरा गांव है जैसा आप देख ही रहे हो, फुल्ली गांव है। और फाइनली खुशी और इस बात की भी हो रही है कि हमारा नेटवर्क आ चुका है, लिंक शेड नीचे है फुल्ली मज़े से। अभी हम लोगों को नीचे जाना है, नीचे से हम लोग जाएंगे उधर से लेह लद्दाख, शो काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो गाइस अभी हमने करी है बहुत बड़ी गलती, लेह का रूट ये था, हम लोग आए इधर से थे बट हम लोग चले नीचे गए थे, नीचे लिंक शेड था, लिंक शेड में हमें नीचे जाके पूछा, 10 किलोमीटर हम नीचे चले गए थे, नीचे जाके पूछा भैया ये रास्ता सही है नहीं है, मैं बोला भैया आपको ऊपर से ही जाना था, ये रास्ता नहीं है लेह, तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ कोई बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इस वजह से ढाबा चौक हो गए। तो अब चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर आगे।